परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मेरे संत को जो मेरा कृपा पात्र है उसको मेरा ही स्वरूप जानना, अन्य में आस्था ना करना। अब जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन निकालना होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन तो करोड़ों के रूप संख्या में होता है, 8 करोड़, 20 लाख, 25,000, इस तरह का। उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना होता है उस प्रॉब्लम में, उस प्रश्न में? मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। और मूलधन 100 रुपये मानकर फिर हम उसका वो रेट निकाल लेते हैं ब्याज का, फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो अपना ओरिजिनल धन है, वो मूलधन है, उसको प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा रूपी मूलधन को पाने के लिए आप जिन्हें सपोज करना पड़ेगा, मान लीजिए गुरुजी हमारे भगवान हैं। गुरुजी, गुरुदेव वो भगवान नहीं है जिसको हमने पाना है, लेकिन आपने ये मानना पड़ेगा गुरुजी भगवान है। अब परमात्मा है तो परमात्मा को हम तलाश कर रहे हैं, जिसके पास हम जाना चाहते हैं, जो हमें सब सुख देगा, हमें वहाँ रखेगा, तो हमने निष्कपट निर्विकार भी होना पड़ेगा, तो तभी हम परमात्मा के पास जाने योग्य होंगे। वो अपने पास रखेगा, कपटी और विकारी जीव तो घर में ना उठे अपने में, और हम जाना भगवान के पास। तो आप जी ने एक रिहर्सल करनी है इस दास के साथ पास आ करके, कि जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा है ये सोच लीजिए, तो उससे आप कैसा व्यवहार करोगे? भगवान आपके पास आ जावे, आपने कैसे बोलना होगा, कैसे उसके साथ व्यवहार करना होगा, उनके आदेश का किस प्रकार पालन करना होगा, कैसे करोगे? जो पुण्य आत्मा है वो खूब समझते हैं कि भगवान जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जो हमें सदा सुखी करेगा, सारे दुख दूर करेगा, और उससे हम मिलने जा रहे हैं, फिर वो जो आदेश देगा वो सिरोधार्य होता है। हे पुण्य आत्मा, आप तो अपने स्तर से सोच ही सकते हो, लेकिन दास बता सकता है जब भगवान दास के सामने आ जाए तो क्या करेगा, किस प्रकार भाव होगा, किस प्रकार उसकी तरफ देखेंगे हम, कैसी हमारी स्थिति होगी। ये तो कहते हैं ऐसी है जैसे गूंगा गुड़ खा के फिर नाड़ लाया करे, बताई नहीं जा सकती हमारी क्या स्थिति होगी। तो ऐसी आपने ये देखना है कि मैं गुरुजी के पास जाता हूँ तो कैसे व्यवहार करते हैं हम, और भगवान के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो धीरे धीरे आपने इसमें ढालना है अपनी आदत को कि गुरु नहीं, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, ऐसे आपने चलना पड़ेगा। और भक्ति विधि में जो ये दास बतावे, भक्ति की विधि वही आपने करनी है, किसी और के बताए से नहीं करनी। अब 10-5 दिन पहले एक भक्तों में एक ऐसी भ्रमणा फैल गई थी, एक दो दुष्ट आत्मा पहले हमारी शिष्या थी, अब वो बकवाद करती हैं, अपने हिसाब से वो सेटिंग करती हैं। उनमें से एक में भूत आता है, प्रेत, और वह दूसरी नौका है इसमें भगवान नाम है कबीर साहब। फिर उसकी चापलूसी क्या है कि पहले कहती है कि गुरुजी ही सब कुछ है, अब दास से शुरू करती है, फिर कहती है ये गुरु है ना जो इसमें परमात्मा कबीर जी आते हैं, और इससे प्यार करो, ये भक्ति विधि बतावे, ऐसे करो, सुबह 2 बजे उठकर 5 बजे तक भजन करो और बाकी समय फिल्मी गाने गाओ,
रख कर्म इनो थरे फूट गए बाग। तो पुण्यात्माओं, ये दास डॉक्टर है और एमडी है, डॉक्टर समझो जो लेटेस्ट सुप्रीम इस भक्ति मार्ग का, ये दास डॉक्टर है और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज से के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तीनों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसके ऊपर एक्शन होगा क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। मान लीजिए आपका सुबह उठने का अभ्यास है तो अच्छी बात है, उठ जाइए, उठ के कर लो, लेट के कर लो, बैठ के कर लो, आंखें खोल के कर लो, बंद करके कर लो, लेकिन सिमरण पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या सिमरण कर रहा हूँ, किस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, उस मंत्र पर स्वरित निरत मन। और चौथा ये श्वास पवन जिसको बोलते हैं, ये चारों मिलाकर करनी पड़ेगी। और इसको चाहे इस सिमरण को आप माला से कर लें या बिना माला से कर लें, वो आपकी इच्छा। जैसे पहली वाले बच्चे होते हैं, जैसे कलम तख्ती पर लिखते हैं, बार बार उसको मिटाते थे, लिखते हैं, फिर बड़े होकर के उनको ना आवश्यकता पड़ती है तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन माला से जाप करना अच्छा है, बुरा नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ऐसे जाप ना करो जैसे माला तो कर्म है फिर और जीव फिर मुखमा ही और मनवा तो चौदस पर है, ये सुमरण ना ही। माला आपके हाथ में है, आप मणियां तो फेर रहे हो, मन का फेर रहे हो और जीभ भी बोल रही है, मन उस पर लगा नहीं, तू बोल क्या रहा है, कहते ये सिमरण नहीं है। कर का मन का डार के मन का फेर, यानी केवल हाथ से मन का फेर रहा इससे नहीं लाभ होगा, मन को इस श्वास के ऊपर लगा, यानी सांस का जब भी आप सिमरण करते हो तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए मैं बोल के रहा हूँ। जैसे सांस सुमरण करते हो बाहर कौन सा मंत्र बोल रहे हैं छोड़ रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान हो मैंने सांस से क्या बोला, अजप्पा जाप है ये बोल के नहीं करना। यानी इसको सुरत और शब्द अभ्यास कहते हैं, सुरत और शब्द। शब्द तो ये मंत्र है, ये जैसे बाहर छोड़ा उस शब्द पर ध्यान लगावे, तो सुरत शब्द ये अभ्यास करें। सिमरण जब करें तो आपका नाम के ऊपर ध्यान हो, चित्त हो उस पर, तो वो सिमरण सही है। अंदर कौन सा लिया क्या बोला, तो ये तो सिमरण है सही। और वैसे आप श्वास चल रहा है, आप ध्यान कहीं घूम रहे हो, कहीं जा रहा तो वो नहीं। जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो उसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला मंत्र क्या बोला जा रहा है, दूसरा भी तीसरा भी, उसके ऊपर ध्यान रहे मैं के बोल रहा हूँ। और रह रहकर ये भी कभी कभी याद आ जाए कि आपको ये पता हो कि ये प्रथम मंत्र किसका है, दूसरा किसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये किस किस देव शक्तियों के हैं, ये भी आपको ध्यान में रह रहकर एक आधी बार आ जाना चाहिए। अन्यथा जैसे बोल रहे हैं उस मंत्र पर अवश्य ध्यान रहे मैं बोल क्या रहा हूँ, चाहे उच्चारण उसको वैसे प्रथम मंत्र उच्चारण करके भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान अवश्य रहे, मन मन में भी कर सकते हो। और जो दूसरा मंत्र सतनाम है इसको केवल श्वास से किया जाता है, उस पर भी ध्यान रहे मैं बाहर क्या छोड़ रहा हूँ, अंदर कौन सा ले रहा हूँ। दो अक्षर का होता है ये सतनाम, एक अक्षर बाहर छोड़ना होता है, एक अंदर लेना होता है। तो मैं क्या बाहर छोड़ रहा हूँ, क्या अंदर ले रहा हूँ, कौन सा मंत्र मैंने जाप किया है, उस पर चित्र है, वो शब्द रहे, सुरत शब्द उस शब्द पर या सुरत रहे, ये ध्यान रहे, इसको सुरत शब्द अभ्यास कहते हैं। ये दूसरे नकली पंथा वाले कहते हैं सुरत और शब्द का ध्यान करें, ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे सामने बैठ जाए कोल्लू सा गाड़ के, और फिर कहते अंदर शब्द सुनना है, ये सुरत शब्द अभ्यास है। अरे झूठा ज्ञान, ध्यान कहाँ ला रहे, तेरा ज्ञान ही व्यर्थ है, तुम ढूंढ कहाँ रहे हो, ये बाद में दा चतुराई। इस नाम के सिमरण से आपके अंदर वो धुन प्रकट होएगी, और जो वास्तविक धुन, ये तो काल की धुन है जो शरीर में तुम सुनोगे, इससे बाहर सत्खंड के अंदर जो सुरत है वह शरीर से बाहर निकलकर आत्मा फिर सुनेगी। शरीर में रहते हुए आपका एकदम सूक्ष्म शरीर बाहर चढ़ेगा और फिर वो धुन सुनाई देगी, शरीर में रहते हुए धुन परले पार वाली नहीं सुन सकते। तो मूर्ख बना रखा था हमारे को, सुरत शब्द अभ्यास का गाटा जोड़ रहे थे
और सुरत का बेरा न शब्द का पता। शब्द क्या, शब्द यानी मंत्र अक्षर जिसका हम जाप कर रहे हैं उसको शब्द बोलते हैं, और सुरत उसको पर ध्यान रहे, ये सुरत शब्द अभ्यास है। कबीर कलयुग आए कह किए बहुत जो मीत, जिन दिन बन जा एक से ते सुख सोव नचीत। कबीर गुरु मर्याद गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिया का अधिकार कहे कबीर व्यभिचारणी का कहीं नहीं सत्कार। अब जैसे अभी आपको पता है कि वो दो निकम्मी आत्मा एक निन्योका, इसमें भगवान आता है। 10-20 भगत खराब हो गए थे, उनका पता लगा, उनको डांटा धमकाया निकम्मियों को कि तुम बर्बाद हो जाओगे, इसी ये दुष्ट करा कितने धक्के खाते हंड रहे। पहले भी कबीर साहब की वाणी यही थी, गीता जी भी यही थी, वेद भी यही थे, किसी ने कैसे का भी नहीं पता था। इस दास से थोड़ा बहुत ज्ञान सुनकर पंसारी बनना चाहते हैं, हमने तो बड़े बड़े ढाणे हैं, ये दो कुतरू फिर पैदा होते हैं। कहते हैं संगत माँ एक संगत उपजा जैसे बन में बांस, पाग इसके आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुछ संगत उपजती है जैसे बन के अंदर बांस उग जाता है। बन में बांस होता है बम्बू, वो क्या होता है कि जब तेज हवा चलती है तो ऐसे थपेड़े लगते हैं, वो ऐसे आपस में घिस के और उन बांसों से आग लग जाती है और पूरे दावा नल का रूप धारण कर लेती है, पूरे बनखंड को पूरे जंगल का नाश कर देती है। कहते ऐसी नकमी आत्मा जो होती है वो संगत में से कुसंगत उत्पन्न हो जाती है, वो आपस में बकवास करके पूरी संगत का नाश कर देती है। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते किसी कोई पूछता आपसे कि सुमरण कैसे करूं मैं दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सीमन करता हूँ। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है, और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी आपको पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे लेती आपका नाम खंड हो जाए, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरुजी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है, वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। और कोई सीधा बताता है तो ऐसे भक्ति कर, 2-3 घंटे सुबह कर, फलाना कर, ये मंत्र ऐसे कर, वो तुम्हारा गुरु बन गया, वो दुष्ट आत्मा ने तेरा भी नाम खंड कर दिया और भक्ति नाश होगी आपकी। तो इस प्रकार के जो मिस हैपनिंग आपके साथ होती है आपकी भक्ति के ना करवा देती है, उसके लिए आपने पुनरुपदेश लेना पड़ता है, परमात्मा रजा बख्श देते हैं। कहते हैं कबीर गुरु मर्याद ना भक्तिपन और नहीं पिया का अधिकार, यानी जब दूसरे पर आस्था होगी तो आप अपने मालिक से ऑटोमेटिक कट गए परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागों पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। मान लीजिए उस दुष्टा में उस ढेढ़णी में बड़ी बात करते हैं, कबीर जी आते हैं, वैसे तो भूत आता उसमें गति जैसे ये, तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं गुरु भी खड़ा है और मैं भी आके खड़ा हो जाऊं, यानी मेरा कृपा पात्र संत जो तुम्हारे संपर्क में है वो और मैं साथ में दोनों खड़े हो जावा, तो तुमने मुझे नहीं अपने गुरु जी को स्वीकार करना, प्रणाम करना है, तो मेरे मैं तुम्हें पसंद करूंगा, तब मैं तुझे चाहूंगा, तब मेरे अपने मानूंगा, नहीं तो तुम्हें कोई भी भ्रमित कर देगा मेरे रूप में आके। आपने गुरुजी के अतिरिक्त किसी को नहीं आदर देना, भगवान को भी नहीं देना, मतलब यहाँ तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं तुम गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो तो उनको भक्ति नाम का अंश नहीं, उनका भट्ठा बैठ गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे तक्षीण हो जा तेरी, ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को इस बच्चे को परिपक्व करना है, सपने में भी डर लगता है कि कहीं
करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जा, मेरा गर्भ खराब हो जा। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जा भगवान, कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लूं जिससे मेरा बालक खराब हो जा। तो इतना डरकर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रह और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई दाता ने। नार कहावे पीव की और कहते हैं रह और संग सोए और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे, 64 लाख शिष्य थे उनके, उस समय उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान पर किसी और में भगवान आवे है, उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरु जी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरु जी का अगर नहीं बताना नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली पर गुरु जी का आदेश, पीछे से एक 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरु जी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंदबुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है, इतने दिन हो गए गुरु जी ने, 15 साल हो गए मैं नाम देते न, किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरु जी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताई गई क्रिया करने लगे, तो हमारे उसे ख़त्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लग गया, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं, 10-20 खराब हुए थे फिर सेट हो गए, उनको नाम दे दिया। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तक गुरु जी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहा वह पीव की और रह और संग सोए, आस्था किसे में और नकली गुरु की से मान रही ऊपरले मंत है। और कहते हैं जार सदा मन में बस है, आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए, वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछा वह सूंदरी अंतर पर्दा होए, और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक अभी ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष ढेटनी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछा वह सुंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे अंदर में आड़ बना ली, और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करें और आत्मा उस दुष्टा में, ये 10-20 से बिगड़े थे वह सेट हो गया, अभी 10-1 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम आग चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश्य कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बाग किसी से बिगड़ नहीं सकता, ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावागार, ये बड़े बड़े ये टीरी खाई ये ढाणे हमने, ये बड़े बड़े पंथ बन रहे, ये नए कुतरू आ गए थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जब तुम भक्ति करते हो और पतिव्रता पद पर रहते हो, यानी 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो आप वो साधना कीजिए जो दास आपको बता रहा है, और एक दिन आन किसी के कहने से आन उपासना कर ली, कहते वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। वो साधना आपने किसी और के बताई हुई नहीं करनी है। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नहीं, चाहे भगवान भी आ जावे। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। इसीलिए है कि आपको ये काल और अपने दूतों के द्वारा हमारे रास्ते से भ्रष्ट कर देता है, फिर कुछ दिन आपका पुण्य आपके साथ होता है, वो पहले किया हुआ जो इस सत भक्ति का
तो वही आपको देता रहता है। आप सोचते हो मुझे कुछ हानि भी नहीं हो रही है, गुरुजी भी त्याग दिया है और मैं अब साधना भी अपने हिसाब से ही कर रहा हूँ। तो पिछला पुण्य जब तक चलेगा, वह बैटरी जितनी चार्ज होगी थी, चार्जर हट गया, चार्जर हटा देने से बैटरी फिर भी काम करती है, इन्वर्टर के पंखे बल्लो फिर भी जगते रहते हैं, लेकिन आगे चार्जर ठीक ना लगने से फिर एकदम सभी आपदाएं आएंगी, सभी बल्लब भी बंद हो जाएंगे, चशने ट्यूब बंद हो जाएंगी, पंखे भी नहीं चलेंगे क्योंकि वो डिस्चार्ज होगी। तो परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन आनोपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। और पतिभर्ता पद पर यानी अन्य की कोई आस्था नहीं रखनी, केवल ये दास जो बताओ वही साधना आपने करनी है, उसी तरह नियम रखने हैं। कहते पतिभर्ता जमी पर जो जो धर है पाँव, और समर्थ झाड़ू देते है ना कांटा लग जाए। हाय हाय, आपके जीवन रूपी सफर को परमात्मा आपके पाप कर्म रूपी कांटों को ऐसे बुहार देगा, साफ करके रखेगा कि ही मेरे बच्चे को, मेरी प्यारी आत्मा को ये कर्म रूपी कांटा दुख ना दे दे। कहते समर्थ झाड़ू देते है पति भरता, फिर ऐसी जो आत्मा जो एक परम पिता पर रुकने वाली सच्ची श्रद्धा करने वाली अपने जीवन रूपी सफर पर पग रखती है तो समर्थ झाड़ू देत है, कहीं ना काटा लग जाए। बोलो सतगुरु दे। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर साहेब, कबीर देव, अल्लाहु अकबर, उस पूर्ण ब्रह्म की असीम कृपा से आप जी को ये अमृत वचन सुनने को प्राप्त हुए। न जाने आपके कौन से जन्म जन्मांतर के पुण्यों का संग्रह संचन एकत्रित हुआ, जिस कारण से आपको ये अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ। पिछले संस्कार भी बहुत सहयोग देते हैं, जन्म जन्म के प्रयत्न जो आप जी करते आ रहे हो वो भी आपके साथ रहे हैं। परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि संतों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे वो युगन युगन के माल। गरीबदास जी महाराज जी भी अपनी अमृतवाणी में इसी का समर्थन कर रहे हैं कि राम कहे राजी नहीं, ये चोरा नाल खुशहाल, भाई मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। संतों के साथ तो बकवाद करते हैं और स्वयं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, संतों के साथ तो मजाक करते हैं, विरोध करते हैं और स्वयं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। प्रत्येक वर्ष जो ये कावड़ लेने जाते हैं, ये शास्त्र विधि को त्याग कर इनका मनमाना आचरण है, और प्रति वर्ष 100-150 व्यक्ति एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और फिर भी ये भोली आत्मा अगले वर्ष उमड़ कर जाती हैं और अधिक से अधिक जाती हैं। अभी 10 वर्ष पहले, लगभग 10 वर्ष पहले एक ऐसी भयंकर घटना घटी थी वहाँ नीलकंठ के ऊपर। यही कावड़ लाने का समय था और श्रद्धालु उमड़ कर गए हुए थे, और अधिकतर वहाँ जाते हैं जहाँ नीलकंठ बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ भगवान शिव जी का बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर। वहाँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु गए हुए थे नीलकंठ में बनी उस मूर्ति के दर्शनार्थ, इन अज्ञानियों द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु। क्या हुआ कि ऊपर से कोई पहाड़ का टुकड़ा टूट गया, पत्थर बहुत बड़ा, पानी के रिसने से चारों तरफ से खोखला होकर एकदम ऊपर से गिरा, वहां बनी हुई धर्मशाला तोड़ी, वो नीलकंठ का मंदिर तोड़ा, और फिर वो चल पड़ा आगे, उस रास्ते हो लिया जिस रास्ते श्रद्धालु ऊपर आ रहे थे,
और तो उसको कोई रास्ता मिला नहीं, वही रास्ता था ऐसे। वो पूरा गिरडा बन गया बुलडोजर की तरह और ऊपर से चल पड़ा। हजारों 500-400 तो वह हमारे जहां नीलकंठ के मंदिर में लाइन लाइन खड़े थे, और फिर जो श्रद्धालु नीचे से आ रहे थे वो उसके नीचे शिकार हो गए। कुछ एक पीछे भाग लिए, पीछे किसी ने कहा कि पहाड़ टूट गया, दौड़ लिए कुछ बचे, कुछ उसके नीचे क्रश हो गए, खत्म हो गए, पिस गए। उधर से लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला नाम से एक पुल है, उसमें श्रद्धालु जा रहे थे दर्शनार्थ, पूरी भीड़ उसमें भर गया था, वो ऐसे चल रहा था। उधर से नीलकंठ से कुछ बचकर भागे हुए थे, उस रास्ते से अलग टड़के पहाड़ पर चढ़कर नीचे आ रहे थे, उतरकर आवाज लगा रहे थे कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया, भाग लो भाग लो, और गिरता हुआ ऐसे आ रहा है। तो पुल पर खड़े व्यक्तियों को ने किसी ने सुन लिया कि पुल टूट गया, पुल टूट गया। वो कहते रहे थे पहाड़ टूट गया, पत्थर टूट कर आ रहा है, और तो वो बीच वाला ने सुन गया कि पहाड़ टूट गया। अब कोई तो यूं भाग रहा है, कोई नू भाग रहा है, पुल टूट गया, भाग कर निकलने जल्दी सी बाहर से। तो कुछ तो व्यक्ति पैरों के नीचे मर गए उस लक्ष्मण झूला के ऊपर, कई सैकड़ों की संख्या में। और कुछ एक ने सोचा तुम इस पुल से छलांग लगा के और गंगा में कूद जा, शायद जान बच जा। वो कुछ गंगा में कूद गए, कई सैकड़ों की संख्या में सारे मर गए। उसमें न्यूज़पेपर्स में आया था और टीवीज पर भी दिखाया गया था, लगभग 2,500 ये कावड़िया कति नष्ट हो गए थे, खत्म हो गए। उसके बाद भी आंख नहीं खुली। पुण्यात्माओं, यदि शंकर भगवान इस साधना से प्रसन्न होता तो ये हादसा नहीं होने देता। दूसरे ये है कि जैसे कल परसों आपने सुना था कि एक ही गांव जला गुड़गावा के अंदर बाग नामक एक गांव के फोर व्हीलर गया, जिसमें ऋषिकेश के पास जाकर के वो एक्सीडेंट यानी गड्ढे में गिर गया। 150 मीटर लिखा था समाचार पत्रों में, यानी 450 फुट नीचे चला गया और सारे के सारे मर गए, एक गांव के 20 व्यक्ति। ओहो, समाचार पत्रों में वो देखे थे नारी नारी चेता, ये भगवान कलेजा मुँह को आवे था। पूरा गांव में करलाट माच गिर, जवान बच्चे सारे 20, 22, 24, 30 के आसपास की उम्र इनकी। और फिर परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। अब रामपाल को तो बुरा बताते हैं, न्यू कह ये तो देवी देवताओं की पूजा छुटवाता है, इन देवी देवता ने दे दिए टिंडे भी। रामपाल वही साधना बताता है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए और जिसकी ना करनी चाहिए वो सदग्रंथ ही प्रमाण है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनको कोई सुख होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के ही श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। परमात्मा कहते हैं कि संता नाल मस्करी और ये चोरा नाल खुशहाल है। संतों के तो मजाक उड़ावे, नो कह वो तो न्यू बतावे है, नो कह श्राद्ध भी ना निकालो, वो रामपाल तो न्यू कह फूल भी ना उठाना और गंगा में भी नहाने मत जाना। पुण्यात्माओं, चोरा नाल खुशहाल, ये नकली संतों के साथ ये प्रसन्न रहते हैं
कोई कितना ही बेकायदे चारों धामों पर धक्के खाया हो। वो धाम क्या चीज है? वो एक सिंपली यादगार है। उन यादगारों में जाने से इस जीव को कोई लाभ नहीं, वैसे धर्म धक्के हैं। और ना जाने कितने प्राणी वहाँ तक जाने में उनके पैरों तले कुचले जाते हैं। वो पाप तो उसके खाते में लिख दिया जाता है, पुण्य कोई है नहीं, क्योंकि वो साधना शास्त्र विरुद्ध है। केदारनाथ के बारे में शंकराचार्यों की एक पुस्तक में लिखा है कि वहाँ ये पांडव हिमालय वहाँ गए हुए थे पहाड़ पर, और वहाँ फिर कहते हैं परमात्मा शिवजी आगे एक भैंस का रूप बना के, और उस भैंस रूप में शिवजी को कहते भीम ने पहचान लिया, और भीम ने उस भैंस को पकड़ना चाहा तो भैंस पत्थर में समा गई, और उसका पिछला हिस्सा भीम के ठहर गया, उसने छोड़ा को नहीं, वो पत्थर बन गया। और कहते हैं उसका एक पैर तो निकला नेपाल में, दूसरा पैर निकला फलानी जगह, उड़ा थोड़ा सा पहाड़ बताओ कि यू पैर आ रहा पत्थर। तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे चार केदार और हैं। अमरनाथ क्या है? अमरनाथ भी एक धामों में से है। अमरनाथ की कथा है कि जैसे एक समय भगवान पार्वती जी को नारद जी ने जाकर बताया कि हे माता, आपके 107 जन्म हो लिए, आपके 107 जन्म हो लिए, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, पुनर्जन्म लेते हो, शिव जी से फिर विवाह करते हो, और जन्म और मृत्यु का एक भयंकर कष्ट आप झेलते हो, गर्भवास में भी आप कष्ट उठाते हो, और भगवान शिव जी के पास एक ऐसा मंत्र है, यदि वो आपको मंत्र जाप बता दे तो आप अमर हो जाओगे जब तक भगवान शिव जी रहेंगे, आप उनके साथ ही प्राण छोड़ोगे। तो पार्वती जी ने कहा कि नारद जी, वैसे ऋषि जी झूठ नहीं बोला करते, लेकिन मेरे आपकी यह बात जची को ना, विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान शिव जी के पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मेरा छुटकारा हो सकता है, जन्म मृत्यु शिव जी के तक, जब तक शिव जी रहेंगे तब तक मैं फिर नहीं मरूंगी। पहले तो मेरी यह बात ना जचती कि वो, क्योंकि शिव जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कुछ भी आज तक उन्होंने छुपाया नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान शिव जी ने 107 रूंड यानी खप्पर होया कर सिर, इस नरूंड बोल रहे हैं, इससे ऊपर ऊपर का ऐसा यू हार्ड, मृत्यु के बाद यो हार्ड बच जाता है, बचा लिया करते, और उसमें नाक में का धागा पोक है और माला बना रहे थे 107 ये सिर खप्परों की खोपड़ी की। तो कहने लगा कि ये 107 जन्म हो चुके आपके, और भगवान शिव जी ने ये आपके ये गले माला डाल रखी, आपके शीश हैं। अब नारद जी तैयार कह के चला गया और पार्वती जी को बहुत चिंता होगी कि नारद की बात झूठी मैं मानूं कैसे, और भगवान शिव जी मुझसे कभी आज तक छुपाया नहीं किसी वस्तु को, उन्होंने मुझे ये अमोघ मंत्र दिया क्यों नहीं। ये अब भगवान शिव जी आए अपने घर पे, पहले तो पार्वती जी जैसे पत्नी अपने पति से व्यवहार करती है ऐसे बोला करती है, आज तो बहुत देर कर दी, कहाँ चले गए थे, जैसे डांट भी मार देती थी, सब्जी ना लाए, फलानी चीज ना लाए। लेकिन उस दिन जो ही भगवान शिव जी आए और चरणों में शीश रखा
और ये शिक्षा नारद जी दे गए थे कि माता अभी तक आप उनको अपना पति मानते हो, आप उनको परमात्मा की दृष्टि से देखो, विनम्र होकर याचना करो, चरणों में शीश रखो, तब वो प्रसन्न होकर आपको कुछ वस्तु देंगे। तो जो ही भगवान शिव जी घर पर आए और पार्वती ने चरणों में शीश रखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु मुझसे अवश्य कोई भूल बनी है जिस कारण से आपने मुझे किसी अनमोल वस्तु से वंचित रखा है। अब पार्वती भगवान शिव जी बोले, ऐसी क्या बात है कि आपके पास एक ऐसा मंत्र है जिसको आप खुश होकर प्रदान कर देते हो, उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। ये भगवान मेरे 107 जन्म हो चुके और आपने ये सिर मेरे ही टांग रखे हैं, माला बना रखे हैं, मेरे शीश है। ये प्रभु अवश्य मुझ तुच्छ प्राणी से भूल बनी होगी जिससे आपकी मैं कृपा पात्र नहीं बनी और मुझे मुझ दासी पर कृपा करो, मैं बालक हूँ, मैं भोली बाला हूँ, आप तो समर्थ हैं, मेरे अपराधों को अक्षमा करो, प्रभु मुझे वो मंत्र दो। अब भगवान शिव जी बोला कि पार्वती एक बात बता, आज तेरे को या किसने शिक्षा दे दी? ये तेरे सत्र का लेवल को ना, तेरी बुद्धि की सोच नहीं है। आज तेरे को कौन ईसा भगवान आत्मा मिल गया जो तेरी बुद्धि फेर दी, तू भगवान जान लागी? और नहीं तो मैं बहुत बार आपको चेष्टा किया करता था कि पार्वती भक्ति कराया करे, आप कह देती थी मेरे को तो भगवान मिला है, मुझे भक्ति की आवश्यकता ही क्या है, तू कान्ना पे घटाया करती। तो पार्वती को कहा, तो उठ खड़ी हो। तब उसने कहा कि प्रभु ऐसी कौन सी गलती बन गई आज तक आपने मेरे को ये अनमोल मंत्र ना दिया? तो भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती अभी तक तेरे हृदय में जगह नहीं थी इस वस्तु के डालन की। जैसे एक सीप होती है, जिस एक प्राणी होता है सीप बोल रहे हैं उसको, और उस सीप के अंदर मोती बनता है और वो मोती बहुत कीमती होता है और बड़े सेठ साहूकार ही उसको प्राप्त करते हैं और वो माला में डाला जाता है, सच्चे मोतियों की माला बनाई जाती है, बहुत कॉस्टली होती है। तो वो मोती कैसे बनता है? एक सीप प्राणी होता है, जैसे ये शंखले होते हैं, आपने देखे होंगे तालाबों पे शंख देखा हो, बजाते हैं मंदिरों में, इसी प्रकार का दृढ़ शरीर वाला एक प्राणी होता है जिसको सीप बोलते हैं। लेकिन वो सीप चपटा सा होता है, ऐसा गोल नहीं होता, लेकिन क्वालिटी शरीर की ऐसी ही होती है, हार्ड सा। तो उसके अंदर एक प्राणी होता है, वो समुद्र के अंदर ही रहता है और उसको जब प्यास लगती है, मोती बनाने की उसकी इच्छा होती है, समुद्र में कुछ गर्माहट होती है और ऊपर वर्षा होती है, तो उसमें वो ऊपर आता है, अपनी मुंह को खोल लेता है। जब मुंह खुला हो और ऊपर से वर्षा का संयोग हो जा, तो आसमान से स्वाति बूंद को लेकर ऊपर की आसमान की बूंद को, वर्षा के जल को लेकर वो मुंह बंद कर लेता है, तो उसमें मोती बनना शुरू हो जाता है। और जब वो मुंह खुलाना हो, सीप भले ही ऊपर हो चाहे सारा सामन बरस जा, उस सीप में मोती नहीं हो सकता। तो भगवान शिव जी कहने लगे, पार्वती अभी तक तेरे अंतःकरण रूपी सीप का मुंह बंद था, मैं बहुत ट्राई करता था, कभी ये प्रेरित हो, मैं कथाएं भी सुनाता था, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मैं भक्ति के बिना इस जीव का कोई यूज नहीं शरीर का, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने आपको ये अनमोल मंत्र नहीं दिया। ये वस्तु ऐसे खराब करने की नहीं थी,
आज तेरे अंतःकरण रूपी सीप का मुंह यू किसने खोल दिया? ईसा कौन भगवान प्राणी आ गया, तेरी बुद्धि बदल गया? तो पार्वती जी कहने लगी, मुझे नारद जी आए थे और उन्होंने ये बताया और मैंने नारद जी की बात पर शीघ्र से विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने आज तक मेरे से कोई वस्तु छुपाई नहीं, मैं नारद जी की बात को कैसे मान लूं? क्या फिर कहती है, क्या परमात्मा जब मैं मर जाती थी आप मेरे प्रेम में वियोग में रोया नहीं करते? अब भगवान कहता है कि मेरे साथ जो बीते थी वो मैं जानू, पार्वती तुझे ज्ञान नहीं। एक बार राजा दक्ष के यहाँ तेरा जन्म था, उसमें तूने राजा दक्ष के हवन कुंड में छलांग लगा के आत्मदाह किया था, उसमें मैं तेरे इस अर्ध जले शरीर को, क्योंकि सिघर निकाल ली गई थी तो मांस तो जल गया सारा, हार्ड हार्ड अस्थि पिंजर रह गया था, मैं तेरे अस्थि पिंजर को सीने से लगा के 10,000 वर्ष तक गौरी गौरी करता, पार्वती पार्वती करके पागल हो गया था। वो तो भगवान का सुदर्शन चक्र आया, उसने शीश काट दिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो पुण्यात्माओं, जहाँ जीभ पड़ी वहाँ ज्वाला जी थोड़ी बहुत जो बच रही थी, और नैनों का टुकड़ा जो यु कवर पड़ा वहाँ नैना देवी, और जहाँ ये शेष धड़ पड़ा अस्थि पंजर वहाँ या वैष्णो देवी, ये मंदिर बना दिए। ये बनाई थी यादगारें कि आने वाले समय में एक कवर ऐसे मंदिर सा बना दिया कि आने वाले समय में श्रोताओं को ये विश्वास ना हो कहीं कि पुराण में ये कथा लिखी है कहीं झूठी हो, तो वो थे तनु यादगार बना रखी थी। अब वहाँ इन पूजा शुरू कर दी, घंटी बांधे उड़े, जय माता दी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अब वहाँ ना माता जी, वहाँ तो एक यादगार है, एक मूर्ति दर रखी है उसकी, और अन्य बार भी तू जितनी बार मरी है मैं बहुत तड़फा और रोया, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है मैं तुझे दे नहीं सका, क्योंकि तेरी रुचि बिल्कुल नहीं थी। आज तेरे अंतःकरण का मुंह खुल गया, तेरा कोई पूर्व पिछला संस्कार उदय हो गया। तो कहा कि चल ऐसे स्थान पर ये नाम दूंगा जहाँ कोई पक्षी पशु जीव जंतु भी हमारी इस अमर कथा को ना सुन ले। अपने आत्माओं, आम व्यक्ति जो भक्ति से संबंधित नहीं है, परिचित नहीं है, वो क्या कहता है कि तुम्हारे गुरुजी ये संत जन नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, ये गुप्त क्यों देते हैं? अब उनको ज्ञान नहीं, क्योंकि ये मंत्र परम संत के मुख से जब दिया जाता है और कोई ऐसा वैसा व्यक्ति भी ले लेता है तो उसके अंदर भी सिद्धियां शक्ति आ जाती हैं, और फिर वो उन सिद्धि शक्तियों का दुरुपयोग करके राक्षस बनकर और विरोधी बन जाता है जनता का, वो बहुत हानिकारक सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस मंत्र देने से पहले आपको इतना नॉर्मल किया जाता है, इतना नरम बनाया जाता है ताकि आप भगवान से डरने लग जाओ और आप किसी के साथ इस मंत्र को प्राप्त करके दुरुपयोग ना करें, और फिर आप किसी और को बताओगे ये भी मना किया जाता है कि आप इसको किसी को नहीं बताओगे। आप किसी और को बताओगे तो क्योंकि आप कुछ दिनों के बाद आपके अंदर सिद्धि शक्ति आ जाती है, और जिसको तुम मंत्र दोगे उस आपकी कमाई से उसके अंदर भी वो मंत्र शुरू हो जाएगा, आपकी कमाई खत्म होने लग जाएगी और उस वो आप गुरु पद को प्राप्त हो जाओगे, दोनों के भक्ति का विनाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए न तो आप किसी को ये मंत्र दे सकते और न ही संत को सार्वजनिक, इस मंत्र को संत सार्वजनिक कर सकते,
ये परमात्मा का दोष बन जाता है, फिर अपराधी बन जाते हैं। ये नियम है। तो इसलिए भगवान शिव जी ने कहा कि चल पार्वती, ऐसे स्थान पर चलते हैं जहाँ अपनी इस वार्ता को कोई ना सुन सके। तो कहाँ गए? जहाँ आज वो अमरनाथ का मंदिर बना रखा है। भगवान शिव जी ने एक ऐसा स्थान देखा, एक वहां पर एक सूखा वृक्ष था जिसके पत्ते नहीं थे, टहनी और उसका तना शेष था उसमें, उसके खोगर में, उसके अंदर जैसे पुराने सूखे हुए वृक्ष होते हैं उनके एक शरीर के उसके तने के अंदर सुराख सा होता है, उसको खोगर बोले। उसके अंदर एक मादा तोता ने अंडे दे रखे थे और भगवान शिव जी ने उसी वृक्ष के नीचे अपना डेरा ला लिया कि यदि हम हरे वृक्ष के नीचे बैठूंगा तो हो सकता है कोई पक्षी भी आकर बैठ जाए, मैंने दिखाई ना देगा, इस सूखे पेड़ के नीचे बैठूंगा तो कोई पक्षी भी आओगा तो मेरी दृष्टि पड़ जाएगी। उससे पहले भगवान शिव जी ने अपने हाथ से ऐसे तीन ताड़ी मारी, तीन बार ऐसे हथेली बजाई, उनकी आवाज इतनी भयंकर थी कि आसपास के पक्षी पशु उड़कर पक्षी दूर भाग गए। उस खोगर के अंदर अंडे स्वस्थ थे, उन अंडों से बच्चे बनकर भी वो तोते के बच्चे उड़ गए, लेकिन एक गंदा अंडा था और वो गंदा अंडा वहीं रह गया। और उस अंडे का जिस प्राणी का संयोग था वो जीव आत्मा भी उस गंदे अंडे के चिपकी रही। अपन आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, ध्यान से सुनना, विचार करना। जैसे इन नकली संतों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने ये फूल चुनने की आदत डाली, रिवाज डाली, इसका क्या कारण था? क्या होता है कि हम जहाँ भी रहते हैं उसके अंदर इतने लीन हो जाते हैं, उसके साथ हम इतना मोहित हो जाते हैं, उस पर आसक्त हो जाते हैं, उस वस्तु को हम जल्दी से भूलते नहीं। जैसे वो गंदा अंडा हो गया था लेकिन उसमें जीव था, वो जीव अंडा गंदा हो गया लेकिन जीव वहीं रहा, उसके चिप क्या रहा कि मेरा शरीर है, मेरा बॉडी है, मेरा अंडा है। जो भक्तिहीन प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनको सभा कर दिया जाता है, उनके जो अस्थि पिंजर होती हैं, हड्डियां जलने के बाद भी कुछ जलती नहीं, कितनी फूंक ले उन्हें बस रह जाती थोड़ी बहुत, जिसमें वो प्राणी यहाँ से गया शरीर छोड़कर फिर ऊपर गया धर्मराज के लोक में, वहाँ जाने के बाद उसके संस्कारवश उसकी मान लीजिए प्रेत योनि हो जाती, तो वापस वो अपने घर आता है, घर आता है तो देखता है कि यहाँ तो तेरा शरीर नहीं है, वो ये चाहता है कि उसी शरीर में फिर प्रवेश हो, मेरा शरीर है। तो वहाँ से फिर वो जाता है शमशान घाट पर, वहाँ जाकर देखता है कि तेरा शरीर यहाँ जला दिया, तो उसकी जो अस्थियाँ पड़ी होती हैं तो वो उनके चिपक जाता है कि मेरा शरीर है, मेरी अस्थियाँ हैं, मेरी हड्डियाँ हैं। और ये जंतर मंत्र करने वाले सेवड़े जो होते हैं, ये तांत्रिक, उन हड्डियों को उठा लाते हैं और वो प्रेत उनका चिपका हुआ हुआ प्राणी उनके आ जाता है, फिर उसको वो काबू कर लेते हैं, फिर वो दूसरों पर प्रयोग करते हैं, उनके अपने भी कर्म बिगाड़ते हैं, दूसरों का भी वो दुख देते हैं और उस प्राणी को भी और पापी बनाते हैं। तो इस तरह की क्रिया के जानने वालों ने यही विकल्प ढूंढा कि इस राख ने ठाकर, इन अस्थियों को ठाकर, इन फूलों को चुग कर और ऐसे गहरे पानी में डाल दो कि ये उस आने वाले प्रेत को कहीं ढूंढे भी ना मिले, उनकी यह सोच थी। तो फिर वो यहाँ से चला जाएगा, धक्के खा के घर में उसके ठिकाना ना और उसका शरीर वहाँ पाना ना, तो फिर वो कहीं और चला जाएगा, तुम्हें दुख ना देगा तुम्हारा जो मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी। तो इसलिए ये फूल चुगया करते हैं, बता इस तक के मोक्ष हो गया,
और फिर वहाँ डालने जाते उसकी और क्रिया बता दी, यहाँ से करो ऐसे करो जब जाके इसकी गति होगी, वो एक बीमारी और हमारा ला दी। तो ऐसे ही वो प्राणी चिपका हुआ था, वो जीव चिपका हुआ था उस गंदे अंडे के साथ में। वो वहां से उड़ नहीं सका, उस अपने उसको छोड़कर नहीं चला, वहां से गया नहीं। उधर से भगवान शिव जी ने पार्वती को वो अमर कथा सुनानी शुरू कर दी। अब आप जी को इसके साथ साथ उस सूक्ष्म वेद की कुछ अमर वाणी सुनाएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। शंखों देह धरी तन योनी, नो तत के का बीज न बुनी, मोक्ष मुक्ति का लख्या न भेवा, भ्रम में पुत्र व्यास सुखदेवा। सतगुर मिले महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंडमाला गल लाई। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भयानी भोरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना, सुन हे देवी गौरा माई। 68 तीर्थ पर भी नाही, पिंड प्रधान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्ति द्वारी। अब नारद जी बता रहे हैं देवी पार्वती जी को, गौरी को, कि अभी तक जिन साधनाओं को तू करती थी, 68 तीर्थ भी स्नान किए हैं और भी साधनाएं तूने की हैं, जिससे तेरा जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं हुआ। सुन हे देवी गौरी माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रधान किए कै बारी, खुली नहीं या मुक्ति द्वारी। ग्रीब रुंड माला शिव के गैले, गिरजा के सरसीस, भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश। नारद जी बता रहे हैं, तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, बहुतक पर ले हो जाई, लंबी उम्र शिव कलमाही। दीर्घ आयु शिव है अनरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प हो तेरी काया। महादेव देवन पति देवा, जिनकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीश नमावो, हो तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। नारद जी कह रहे हैं कि तूने अभी तक उनको समर्पण नहीं किया, और जिस दिन समर्पण किया जाता है उसी दिन उपदेश प्राप्त होता है। परमात्मा भी कहते हैं अपनी अमृतवाणी में कि तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। यानी जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपने समर्पण कर दिया। इसके बाद के जो समर्पण की बकवास कोई करता है वो निकम्मी आत्मा है, उसको कोई ज्ञान नहीं। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। गुरु से जब दीक्षा मांगे और तन मन धन धरे धन आगे, यानी सब कुछ समर्पण कर दे, निष्कपट भाव से लग जा, वो समर्पण होता है। ये बकवादियों ने पता नहीं कहाँ से बकवाद शुरू कर दी थी, समर्पण बोला आज समर्पण करो, और इतने दिन वैसे ही खो दियो बुद्ध हो तुमने, आज क्या का समर्पण। समर्पण उस दिन होता जिस दिन नाम ले लिया तुमने। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।